बाबा दे बुलंद सलवात। तो जनाब अब आपके सामने इलामा फैसल अल हुसैन आप डस्का जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएं। बाबा दे बुलंद सलवात। आओ जी बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والتبيان ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين अम्मा बादु फ़कत तआला हक सुबहानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलावात बर मुहम्मद व अहले बैत। तमाम हमदो सना उस खुदाए वाहदहू ला शरीक की कि जो ऐसा वाहिद है कि कुल हुवल्लाहु अहद है, जो ऐसा बेनियाज है कि हुसैन जैसे बेनियाज का भी खालिक है। हज़ारों दरूद लाखों सलाम उन ताहिर मुताहिर पाको पकीज़ा हस्तियों पर कि जब कुछ न था तो वो थे और जब कुछ ना होगा तो वही होंगे। अजीज़ान ग्रामी कदर, मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़िवाकार सदात व गैर सदात शियान हैदर कर्रार व बरादरान अहल सुन्नत, मैंने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से एक आया करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल फरमाया। पेशतर इससे कि मैं इस आयत पर कोई गुफ्तगू करूँ, पहला मौका है आपके इलाके में आया हूँ, मेहमान हूँ, मेरी मजबूरी है कि मैं हाफ़िज़े कुरान हूँ, अली की फजीलत पढ़ने के लिए कुरान का सहारा लेता हूँ। ज़रा आप बोलेंगे मुझे पता चलेगा कि मैंने कुछ पढ़ना है। दूसरी गुजारिश ये है कि मैं अहले सुन्नत से अहले तशी हुआ हूँ, इसलिए एक और मजबूरी ये है कि मैं सुन के आपको नहीं सुना रहा, पढ़कर सुना रहा हूँ। यानी जो भी बात कर रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से मिंबर से बबांगे दोहल कर रहा हूँ। आपको हक हासिल है, कोई एतराज़ हो हवाला हो उठकर आप पूछ सकते हैं। बंदे परेशान हो जाते हैं कि निक्का जिहा मुंडा है तो दावे पे करी जाता है। मेरे अजीज़ो, इस्लाम और कुरान का ताल्लुक इलम से है, उम्र से नहीं। जी शुक्रिया। जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ बुजुर्गों पूरी जिम्मेदारी से मेंबर से पढ़ रहा हूँ। अजीज़ाने ग्रामी कदर, अहले इल्म के यहाँ एक उसूल तय है कि अहलुल बैत अदरा माफिल बैत, घर वाला घर की बात को खूब जानता है। आपके घर की बात जैसे आप जानते हैं मैं नहीं जानता, मेरे घर की बात जैसे मैं जानता हूं आप नहीं जानते। आप मेरे जितने भी अजीज हैं आप मेरे घर के अंदर की बात नहीं जानते। मैं आपका जितना भी अजीज हो जाऊं मैं आपके घर के अंदर की बात नहीं जानता। यानी कुरान काफी कहना आसान है, जो घर वाले हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं फजीलत अली पढ़ना चाहता हूं कुरान से और पूछना उनसे है जिनके घर में नाजिल हुआ है, क्योंकि बुजुर्गों घर वाला ही घर की बात को खूब जानता है। अब मैं मजबूर हूं कि मैं हाफिज़े कुरान हूं, मैं तरावियां पढ़ाता रहा तो तुम्हारी मजबूरी तुम कभी पढ़िया नहीं, तुसी जरा मेरा साथ दियो तो मैं थोड़ा दवांगा। मैं कुरान चू मौला अली दी फजीलत पढ़ना चाहना। इरशाद रब्बुल इज्जत है, पहला मुकाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ نے فرمایا میری ایک ایسی نعمت ہے جس کو تم لوگ شمار نہیں کر سکتے۔ بس اسی آیت پر میں پہنچ گیا آپ تک کہ آپ کی سماعت کتنی بیدار ہے۔ خالق اکبر ہے، اس کو چیلنج کون کرے؟ کمال انداز تخاطب ہے، فرمایا میری ایک نعمت ہے، شمار بھی تسی نہیں کر سکتے۔ خالق کا چیلنج دیکھیے گا، ایک نعمت ہے میری، شمار تسی نہیں کر سکتے۔ یہ اردو دی نہیں آتی، میں پنجابی چ بھی کر سکنا۔ فرمایا میری ایک نعمت ہے، شمار تم نہیں کر سکتے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، میری ایک نعمت ہے، شمار کر کے دکھاؤ۔ اسی پڑھن والے تین نا، میں آکھا میں کلا ہی پڑھن والا، سارے بندے آکھن گے جھوٹ نے، دو اندر بیٹھے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک نعمت ہے، کوئی بھی اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ میری ایک نعمت ہے، کوئی بھی اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ اب بندوں کی عقلوں پر ہیں کہ سوچے، جس اللہ کی ایک نعمت شمار نہیں ہو سکتی، اس کی 14 کیسے شمار کرو گے؟ جی جس خالق، میری ایک نعمت ہے جس کو تم شمار نہیں کر سکتے، چیلنج ہے خالق اکبر کا۔ نعمت ایک ہے، وہ نعمت ہے کون سی؟ پوچھیں گے ان کے جن کے گھر میں نازل ہوا ہے۔ جی پوچھنا ہم نے ان سے ہے، میں مجبور ہوں۔ پوچھیں گے ان سے جن کے گھر میں نازل ہوا ہے۔ قرآن دوسرا مقام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ اے میرے حبیب، ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یہ لوگ باطل پر تو ایمان رکھتے ہیں اور میری نعمت پر کفر کرتے ہیں۔ جی ذرا بولیے گا قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے۔ اے میرے حبیب، ان کو کیا ہو گیا؟ یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور میری نعمت پر کفر کرتے ہیں۔ قرآن تیسرا مقام، بڑی جلدی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها۔ قرآن روایت نہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں بابا جی، میں قرآن سے ہی سہارا لے کر پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے نہیں کہا کہ قرآن کافی ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها۔ اے میرے حبیب، بات یہ نہیں کہ ان لوگوں کو پتا نہیں کہ وہ نعمت کیا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، پہچانتے بھی ہیں کہ یہی اللہ کی وہ نعمت ہے۔ ثم ینکرونها، پھر منکر ہو جاتے ہیں۔ جی ذرا میرے ساتھ بولیے گا، جی شکریہ۔ پہچانتے بھی ہیں کہ یہی اللہ کی وہ نعمت ہے، ثم ینکرونها، پھر منکر ہو جاتے ہیں۔ قرآن چوتھا مقام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ بروز حشر ہر ایک سے پوچھے گا، بتاؤ تم نے میری نعمت کا ذکر کیا کہ نہیں؟ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دو، یہ تو میری نعمت کا منکر ہے۔ جی ذرا میرے ساتھ بولیے گا، یہ تو میری نعمت کا منکر ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ٹی وی تے سن لے جدو یہ صورت لگی، اگے آن گے امب، فروٹ، پہاڑ، نہراں، کہ اے اللہ دیاں نعمتاں نے۔ بزرگوں قرآن کو سمجھ نہیں سکے اس لیے کہ ان سے قرآن نہیں لیا جن کے گھر میں نازل ہوا ہے۔ باہر سے پوچھا تو نعمت کیا ہے؟ فروٹ۔ نعمت کیا ہے؟ پہاڑ۔ اللہ فرماتے ہیں میں بروز حشر ہر ایک سے پوچھوں گا کہ تم نے میری نعمت کا ذکر کیا کہ نہیں۔ اگر بولوی صاحب فروٹ مراد ہے تو پھر یا فروٹ کرنا چاہیے۔ جی ذرا میرے ساتھ بولیے کہ دنا بندے تشریف فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہر ایک سے پوچھوں گا اپنی نعمت کا کہ تم نے ذکر کیا کہ نہیں۔ نہیں۔ اللہ فرمائے ان کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دو۔ میں نے کہا مولوی صاحب اللہ تو اس نعمت کی وجہ سے جہنم میں بھیج رہے، آخر وہ نعمت ہے کیا؟ کہنے لگے جی دولت۔ میں نے کہا وہ تو فرعون کے پاس بھی تھی۔ ذرا میرے ساتھ بولیے گا، میں بغیر تمہیر کے شروع کر رہا ہوں۔ بیٹے
वो तो अबू जहल के भी थे, वो अबू लहब के भी थे जी। दौलत करून के पास भी थी, आखिर ये नेमत है क्या? जरा मेरे साथ बोलिएगा, कुरान से पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाते हैं फज़कुरु आला अल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर तुम मेरी नेमत का जिक्र करोगे फला पा जाओगे। जी मैं कुरान पढ़ रहा हूं, अगर तुम मेरी नेमत का जिक्र करोगे फला पा जाओगे। आखिर ये नेमत है क्या? क़यामत तक ये मसला हल ना होता अगर अली इब्ने अबी तालिब का वजूद ना आता। मस्जिद कूफा के मिंबर पर बैठे अली इब्ने अबी तालिब से पूछा गया, या अली आखिर ये कौन सी नेमत है जिसका मुनकर जहन्नम में जा रहा है? अली ने सीने पे हाथ रख कर फरमाया, वल्लाहुल लजी ला इलाहा इल्ला हुवा अना बिनेमतिल्ला, फरमाया कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में अली की जान है, जिस नेमत का मुनकर जहन्नम में जाएगा वो नेमत मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं। जिस नेमत का मुनकर जहन्नम में जाएगा वो नेमत मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं। पूछना उनसे है जिनके घर में नाजिल हुआ है, जिनके घर में नाजिल हुआ है। अल्लाह फरमाए फज़कुरु आला अल्लाह, मेरी नेमत का जिक्र करो। पूरी जिम्मेदारी से मिंबर से पढ़ रहा हूं, मेरी नेमतों का जिक्र करो। नेमत नहीं है, फज़कुरु आला अल्लाह, मेरी नेमतों का जिक्र करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम फला पा जाओगे, मैं गारंटी देता हूं तुम फला पाओगे। अल्लाह गारंटी दे रहा है, अगर तुम मेरी नेमतों का जिक्र करोगे फला पा जाओगे। बुजुर्गों पूछना उनसे है जिनके घर में नाजिल हुआ है, अगर उनसे ना पूछा जाए तो गुमराह हो जाओगे, क्योंकि रसूल जाते जाते कुरान और अहले बैत दे गए हैं। इनसे पूछना है कि ये नेमत क्या है। मस्जिद में बैठे विलायत के छठे ताजदार के उसी मस्जिद में सलावत पढ़ लीजिए, मेरे छठे इमाम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे कि कारिये कुरान ने मस्जिद के कोने में इस आयत की तिलावत की, फज़कुरु आला अल्लाह, मेरी नेमतों का जिक्र करो। कारिये कुरान ने ये आयत पढ़ी, मस्जिद के मेहराम में छठा ताजदार विलायत बोला। जरा मेरे साथ बोलिएगा, कारिये कुरान ने ये आयत की तिलावत करने का शर्फ हासिल करना ही था कि मस्जिद के मेहराम में मेरे छठे इमाम बोले, ऐ कारिये कुरान, तू जानता है कि ये नेमत क्या है? जरा मेरे साथ बोलिएगा, तू जानता है कि ये नेमत क्या है? कहने लगा, फरजंदे रसूल अल्लाह, आपसे बेहतर कौन जानेगा कि ये नेमत क्या है? मेरे छठे इमाम ने फरमाया, तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है? कहने लगा, फरजंदे रसूलुल्लाह, औलाद होगी। फरमाया, वो अबू जहल के भी थी। अल्लाह फरमा रहा है, मेरी नेमतों का जिक्र करो। मेरे छठे इमाम ने फरमाया, कायनात की सबसे बड़ी नेमत काला नियामा हिया विलायतो अली इब्ने अबी तालिब। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं, अल्लाह ने अपनी मखलूक पर जो सबसे बड़ी नेमत नाजिल की वो नेमत विलायत अली इब्ने अबी तालिब है। अल्लाह ने जो अपनी मखलूक पर सबसे बड़ी नेमत नाजिल की वो नेमत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत है। देखिए, एक है बंदों के बनाए हुए, एक है अल्लाह के बनाए हुए। मैं दस्के से आया हूं, रास्ते में काफी रास्ता टूटा हुआ था, सड़कें टूटी हुई थी, क्योंकि बंदों ने बनाई है। आसमान अल्लाह ने बनाया है, टूटा नहीं। बंदों के बनाए और होते हैं, अल्लाह के बनाए और होते हैं। बंदों के बनाए हुए फिसल सकते हैं, अल्लाह के बनाए हुए फिसलते नहीं, टूटते नहीं। जब मेरे आका नामदार
हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। उसके बाद एक बुजुर्ग तख्त पर आए। पूरी जिम्मेदारी से मिंबर से पढ़ रहा हूं। फजाले मुर्तजबी एक सदी पुरानी किताब है, मेरे पास मौजूद है, उसमें यह रिवायत है, अहले सुन्नत भाइयों की लिखी है। फरमाते हैं जब वो बुजुर्ग तख्त पर आए, एक औरत उस दरबार में आई जिसका नाम तारीख ने उम्मे फरवा लिखा। कहते हैं दरबार में वो बीबी आई, उसने आकर कहा जी मैं आपको नहीं मानती। जरा मेरे साथ बोलिएगा, देखिए हर बंदे का जमहूरी हक है। इमरान खान वजीर आजम बन गया, तुम मनो ना मनो, आपका जमहूरी हक है, आप उसे तस्लीम करो या ना करो। उसने कहा जी मैं आपको नहीं मानती। उन्होंने कहा जी वजह क्या है? उसने कहा जी मेरे कुछ सवाल हैं, मेरे सवालों के जवाब दे, मैं आपके हाथ पर बैत करूंगी, मुझे क्या तकलीफ है। उन्हें कहा जी अच्छा बताएं क्या सवाल है। उन्हें कहा जी आप ये बता दें, ये जो आसमानों पर फरिश्ते रहते हैं, अल्लाह की क्या तस्बीह करते हैं? जरा मेरे साथ बोलिएगा, बंदों के बनाए और होते हैं, अल्लाह के बनाए और होते हैं। ये जो आसमानों पर फरिश्ते रहते हैं, ये अल्लाह की क्या तस्बीह करते हैं? उन्होंने आखिया जी मैंने नहीं पता। थोड़े किसी को पता तो दा छोड़ो, नहीं पता दे नहीं पता, कोई हरज वाली गल नहीं। औरत थी अली के मानने वाली, उसने कहा बात सुनो, मैं हूं मुश्किल कुशा के मानने वाली, मैं सवाल बदल देती हूं, मैं सवाल आसान कर लेती हूं, तुम्हारी भी इज्जत रह जाए। उन्होंने कहा चलो ठीक है बताएं। उसने कहा जी ये जो सात आसमान हैं, इनके नाम बता दो। जरा मेरे साथ बोलिए, वो फरिश्तों की तस्बीह रहने दो, ये जो सात आसमान हैं, इनके नाम बता दो। उन्होंने कहा जी मेरे फरिश्तियों को पता, मुझे नहीं पता कि इनके नाम क्या हैं। आखिर वो लाजवाब होकर उम्मे फरवा के कत्ल का आर्डर दिया गया, उसी उम्मे फरवा को कत्ल कर दिया गया। जब कत्ल कर दिया गया, दफना दिया गया, अली की जात उस वक्त मदीने से बाहर थी। जब मदीने में दाखिल हुए, हजरत सलमान मोहम्मद ही दौड़े दौड़े पहुंचे, आकर कहने लगी या अली, वो जो उम्मे फरवा थी ना, जो आपकी मोहब्बत में आपके नाम की तस्बीह जपती थी, आज उसे इस जुर्म की वजह से कत्ल कर दिया गया। वो कहती है मैं मानती हूँ तो सिर्फ अली को मानती हूँ। जरा मेरे साथ बोलिएगा, आज तक हम लोग इसी वजह से कत्ल हो रहे हैं। हम कहते हैं अली मानती हूं तो मैं सिर्फ अली को मानती हूं, या अली उसे कत्ल कर दिया गया। हजरत अली फरमाते हैं ऐ सलमान मुहम्मदी, तू मुझे ये इतला देने आया है कि वो कत्ल हो गई, मुझे पता है कि वो दफन भी हो गई। वो समझे थे कि मैं अली को जाकर बताता हूं कि या अली वो कत्ल हो गई। हजरत अली फरमाते हैं सलमान मोहम्मदी आओ उसकी कब्र पर चलें। हजरत सलमान मोहम्मदी और हजरत अली इब्ने अबी तालिब उसकी कब्र पर आए। हजरत अली इब्ने अबी तालिब ने उसकी कब्र पर ठोकर मारी, वही उम्मे फरवा अली वलीउल्लाह पढ़ती उठ पड़ी। जरा मेरे साथ बोलिएगा, पूरी जिम्मेदारी से मिंबर से पढ़ रहा हूँ, वही उम्मे फरवा अली जुन वलीउल्लाह पढ़ती हुई उठ पड़ी और शिकवे भरे लहजे में कहने लगी या अली देखिए ना, इन लोगों ने मुझे आपकी मोहब्बत की वजह से कत्ल कर दिया। अली ने फरमाया किस वजह से? या अली आपकी वजह से। फरमाया अगर मेरी वजह से कत्ल किया फिर घर जा। जरा बोलिएगा, कब्र से उठाया, पूरी जिम्मेदारी से पढ़ो, पूरी तारीखे इमामत में किसी इमाम ने किसी को इतनी मोहलत नहीं दी जितनी इस उम्मे फरवा को मिली। इतनी मोहलत मिली, कब्र से उठी, घर गई, शादी हुई, बच्चे हुए, अली की शहादत के 6 माह बाद इंतकाल किया। इतनी मोहलत दे दी। हजरत सलमान मोहम्मदी फरमाते हैं या अली आपने और भी इतने मुर्दे जिंदा किए, किसी को इतनी मोहलत नहीं दी कि घर जाए। हजरत अली इब्ने अबी तालिब फरमाते हैं ऐ सलमान मोहम्मदी, मैं मुस्तफा के फरमान का पाबंद हूं, मुझे मुस्तफा ने कहा तलवार नहीं उठानी, जो काम मेरी तलवार करती थी आज इसकी जुबान करेगी। जरा मेरे साथ बोलिएगा, जो
काम इसकी तलवार करती थी आज इसकी जुबान करेगी। हजरत सलमान मोहम्मदी फरमाते हैं मैं उसी उम्मे फरवा के पीछे पीछे चला, वही उम्मे फरवा मदीने की गलियों में या अली या अली या अली के नारे मारती हुई जा रही थी। वही बंदे जो जनाजा पढ़कर वापस जा रहे थे वो देख के हक्के बक्के, ऐ उम्मे फरवा हम तो तुम्हें अभी अभी दफन कर कर आए थे, तुम्हें किसने जिंदा कर दिया। उम्मे फरवा ने एक ऐसा तारीखी जुमला कहा जो क़यामत तक के लिए अली की खिलाफत की सबसे बेहतरीन दलील बन गई। उम्मे फरवा मुस्कुरा कर फरमाती हैं तुम्हारे बनाए हुए ने कत्ल किया था, अल्लाह के बनाए हुए ने जिंदा कर दिया। तुम्हारे बनाए हुए ने कत्ल किया था, अल्लाह के बनाए हुए ने जिंदा कर दिया। बंदों के बनाए और होते हैं, अल्लाह का बनाया और होता है। पैगंबर आजम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे कि एक बंदा आया, उसने आकर कहा कि या अली आज आप रोजा मेरे घर इफ्तार करें। तवज्जो फरमा रहे, आज रोजा आप मेरे घर इफ्तार करें। वो बंदा हजरत अली इब्ने अबी तालिब को दावत दे के चला गया। अभी हजरत अली तशरीफ फरमा थे कि एक और बंदा आया, उसने कहा या अली आज आप रोजा मेरे घर इफ्तार करें। अली फरमाते हैं ठीक है मैं आऊंगा। वो बंदा भी गया मस्जिद में थे। तीसरा बंदा आया, उसने कहा या अली आज आप रोजा मेरे घर इफ्तार करें। अली ने फरमाया ठीक है। 70 बंदों ने दावत इफ्तार दी, 70 बंदों ने। अली अल्लाह की जुबान ने हर एक को जुबान दे दी, अल्लाह की जुबान ने हर एक को जुबान दे दी, मैं आऊंगा मैं आऊंगा मैं आऊंगा। वक्त इफ्तार आया, अली इब्ने अबी तालिब पता नहीं कहां कहां थे। अगले दिन नमाज फजर के बाद एक सहाबी उठे, उन्होंने कहा या अली आपका शुक्रिया, आपने रोजा मेरे घर इफ्तार किया। तवज्जो फरमा, आपने रोजा मेरे घर इफ्तार किया। साथ में बैठे दूसरे सहाबी ने सुन लिया, उन्होंने फरमाया कि तू क्या कह रहा है, अली तो कल मेरे घर था, उसी महफिल में तीसरा बंदा उठा, उसने कहा तुम दोनों झूठ कह रहे हो, अली कल मेरे घर था। देखिए वो आपस में यार थे, एक दूसरे को तो झूठ कह सकते थे, झूठा कह सकते थे। जब मस्जिद में ये शोर बुलंद हुआ, पैगंबर आए, फरमाया क्या माजरा है, या रसूलल्लाह देखिए ना अली कल मेरे घर थे, ये कह रहे हैं मेरे घर थे, ये कह रहे हैं मेरे घर थे। पैगंबर ने फरमाया सब खामोश हो जाओ, अली तो कल मेरे घर थे। जरा मेरे साथ बोलिए कि मैं आखिरी जुमला पढ़ना चाहता हूँ, अली तो कल मेरे घर थे। अब देखिए आपस में एक दूसरे को कह सकते थे कि तुम गलत कह रहे हो, तुम गलत कह रहे हो, तुम गलत कह रहे हो, अब रसूल को कौन कहे। जब पैगंबर ने फरमाया ना कि खामोश हो जाओ, अली कल मेरे घर थे, सब खामोश हो गए, बिल्कुल एंजी जेंज तुसी हो गए, सब खामोश हो गए। जिब्राइल आया, या रसूल अल्लाह अल्लाह आप पर सलाम भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये किस बात पर झगड़ रहे हैं, ये किस बात पर झगड़ा कर रहे हैं जी, इस बात पर ये कह रहा मेरे घर थे, ये कह रहा मेरे घर थे, ये कह रहा मेरे घर थे, आपको तो पता है कि मेरे घर थे। जिब्रील ने फरमाया या रसूल अल्लाह अल्लाह फरमा रहा है कि इनसे फरमा दो कि अली ने तो कल रोजा अरश पर इफ्तार किया है। जी देखिए अब रसूल जी बिस्मिल्लाह, अब रसूल हुक्मे खुदा से बोले, जिब्राइल हुक्मे खुदा से आया है, अब रसूल भी खामोश, सब खामोश हो गए। अल्लाह ने वही भेजी, ऐ जिब्राइल ये सब लोग परेशान हो गए कि
कि कैसे हो सकता है उसके घर भी, उसके घर भी, रसूल के घर भी, अरश पर भी, फरिश्तों के साथ भी। फरमाया ऐ मेरे रसूल इनको बता दो कि अली बंदों का बनाया हुआ नहीं है, अल्लाह का बनाया हुआ है। अगर एक लाख बंदा भी अली को दावत इफ्तार देता तो अली हर घर मजहर अल अजायब होकर पहुंच जाता, क्योंकि वो मेरा बनाया हुआ है। क्योंकि अली इब्ने अबी तालिब अल्लाह के बनाए हुए हैं, बंदों के बनाए हुए नहीं। पैगंबर आजम मेराज पर तशरीफ ले गए, देखिए हर कुरान भी कहता है फक्सुसिल कासस अल्लाहुम यतफक्करून, ऐ मेरे हबीब इन लोगों को किस्से सुनाओ ताकि ये लोग फिक्र करें। हर किस्से में कोई फिक्र है, जो कुरान में है, जो हदीस में है, जो सीरत अहले बैत में है, उसमें बाबा जी कोई ना कोई फिक्र है। पैगंबर आजम मेराज पर गए, चौथे आसमान पर पहुंचे कि आवाज कुदरत आई, ऐ मेरे रसूल वस अल मन अरसलना मिन कबलिका मिन रुसुलिना, ऐ मेरे हबीब इन लोगों से सवाल करो, ये जो हमने तुमसे पहले रसूल भेजे थे ना, ये आज सब सफ दर सफ खड़े हैं, इनसे सवाल करो। या अल्लाह सवाल क्या करूं? फरमाया या अय्युहन नबी यूना लिमा बुइस्तुम, इन सब नबियों से ये पूछो कि हमने इनको नबुव्वत किस शर्त पर दी। जरा मेरे साथ बोलिएगा, इन सब से पूछो हमने इनको नबुव्वत किस शर्त पर दी। तमाम नबियों ने यक जुबान कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीकला, या रसूल अल्लाह हम सब ने गवाही दी वो अल्लाह एक है। पैगंबर ने फरमाया नबुव्वत मिल गई, या रसूल अल्लाह आपकी कसम नबुव्वत नहीं मिली। अगर आप तवज्जो फरमा रहे हैं, मैं एक नुक्ता देना चाहता हूं, लफ्ज है या अय्युहन नबी यूना, नबी यूना जमा का सीगा है, जो रसूल सवाल कर रहा है वो भी तो नबी है, जो सवाल कर रहे हैं वो भी तो नबी हैं, उनको पता है कि किस शर्त पर नबुव्वत मिली। फिर क्यों पूछा? इसलिए कि रसूल आएंगे नीचे, बंदे पूछेंगे क्या हुआ क्या हुआ, रसूल मेरा झूठ बोलता नहीं, जो कुछ हुआ वो बताएगा, जब बंदे पूछेंगे तो फिर बताएगा, और जब बताएगा फिर बंदे पूछेंगे, बंदे पूछेंगे। तमाम नबियों ने कहा हमने अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया, रसूल ने फरमाया क्या नबुव्वत मिल गई? या रसूल अल्लाह तेरी कसम नबुव्वत नहीं मिली। अच्छा फिर हम सब ने गवाही दी अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलू, फरमाया नबुव्वत मिल गई? फरमाया तेरी तत्हीर की कसम नबुव्वत नहीं मिली। फरमाया क्यों? फरमाया अभी अली की विलायत का ऐलान ही नहीं किया। जरा मेरे साथ बोलिएगा, पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, हम सब ने कहा अल्लाह एक है नबुव्वत नहीं मिली, हम सब ने कहा तू आखिरी रसूल है नबुव्वत नहीं मिली। जब तक हमने अली की विलायत का इकरार नहीं किया अल्लाह ने उस वक्त तक नबुव्वत नहीं दी। मैं यहां पर रुककर एक जुमला पढ़ना चाहता हूं, जिस अली की विलायत के इकरार के बगैर अल्लाह नबियों को नबुव्वत नहीं देता, उस अली की विलायत के इकरार के बगैर तेरी इबादत कैसे कबूल करे। जिस अली की विलायत के इकरार के बगैर अल्लाह ने नबियों को नबुव्वत नहीं दी, देखिए मैं पहले ये बात अर्ज कर चुका हूं कि मैं जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं कि जो मैं सुन के पढ़ रहा हूं। अली की विलायत इतनी जरूरी है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कि अगर जिसने कबूल नहीं की अल्लाह ने उसको इंसान भी नहीं कहा। खुदा की जात ने बुजुर्गों उसको इंसान भी नहीं कहा। चले आपकी तसल्ली के लिए कुरान का हवाला लेता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलकद ज़राना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, अल्लाह ने फरमाया कसीर तादाद में जिन्नो इंस जहन्नम में जाएंगे। क्यों? फरमाया लहुम
कुलूबुल ला यफकहून बिहा, फरमाया इसलिए कि दिल रखते हैं समझते नहीं। जहन्नम में जाने की वजह क्या है? दिल रखते हैं समझते नहीं। सूरह आराफ, वला हुम आयुनुल ला युबसिरून बिहा, आंखें रखते हैं देखते नहीं। वला हुम आजानुल ला यस्माउन बिहा, कान रखते हैं सुनते नहीं। अल्लाह फरमाया उलाइका कल अनआम, ऐ मेरे हबीब ये जानवरों जैसे हैं, ये जानवरों जैसे हैं। फिर फरमाया नहीं, बल हुम अज़ल्ला, बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं। ये तो जानवरों से भी बदतर हैं। इसी कुरान में, इसी सूरत में फर्क में फरमाया, फरमाया फमासालो हु कमासालिल कल्ब, ऐ मेरे हबीब इनकी मिसाल तो कुत्ते जैसी है। जरा मेरे साथ बोलिएगा, रिवायत नहीं कुरान की आयत है। ऐ मेरे हबीब इनकी मसल कुत्ते की मसल है। इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस, अगर तू इनको दुत्कारे तब भी भौंकेंगे, अगर तू इनको ना दुत्कारे ये तब भी भौंकेंगे। आखिर रहमतल आलमीन, आखिर रसूल की जुबान से भी एक मरतबा लफ्ज कुत्ता निकला। अगर आपकी तवज्जो बेदार है, मैं वो मजमा याद करवाना चाहता हूं। जंगे ओहद में जब अमर इब्ने अब्दे वुद ने रसूल के खैमे पर हमला किया, रसूल के खैमे पर हमला करना था कि नेजे की अन्नी से पर्दे को हटाकर कहता है ऐ मोहम्मद कोई मेरे मुकाबले में भेज। उस वक्त मोहम्मद ने फरमाया था मल्ले हाजल कल्ब, कोई है जो इस कुत्ते की जुबान को बंद करे? जरा मेरे साथ बोलिएगा, कोई है जो इस कुत्ते की जुबान को बंद करे? ज़ाहरन इंसान था, ज़ाहरन इंसान था, क्योंकि मेरे मुस्तफा के जुबान से निकला हुआ लफ्ज कभी झूठा नहीं होता। लोग उसे इंसान समझ रहे थे जबकि हकीकत में कुत्ता था। फरमाया कौन है जो इस कुत्ते की जुबान को बंद करे? या रसूल अल्लाह आप रहमतल आलमीन, काफिर आपको पत्थर मारे आप दुआ दें, लोग आपके कांटों रस्ते में कांटे बिछाएं आप दुआ दें, लोग आप पर ओजरियां फेंके आप उनको दबा दें, या रसूल अल्लाह इसने तो फकत आपके खैमे पर हमला ही किया है ना। पैगंबर ने फरमाया मेरी सीरत क़यामत तक के लिए नमूना अमल है, बस क़यामत तक देखना जो भी हमारे दरवाजे पर हमला करे वो इंसान नहीं कुत्ता हो। कि वो ज़ाहरन इंसान है लेकिन हकीकत में कुत्ता है, क्योंकि दिल में मोहम्मद और आले मोहम्मद की मुअद्दत नहीं थी। अहले सुन्नत की किताब में ये रिवायत दर्ज है कि दो बंदे थे, वो सुबह नमाज फजर पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाते थे, पैगंबर आजम के पीछे नमाज पढ़ते थे। रस्ते में एक यहूदी का घर था, उसका कुत्ता जो था इनको पड़ता था। इन्होंने जाकर पैगंबर आजम से शिकायत की, या रसूल अल्लाह हम आपके पीछे नमाज पढ़ने आते हैं, ये जो यहूदी का कुत्ता है ना ये रोज हमारे पीछे पड़ता है, हमारे कपड़े खराब कर देता है, हम नमाज पढ़ने जगह भी नहीं रहते। पैगंबर ने फरमाया आओ चले। उस यहूदी के घर गए, जब उस यहूदी के घर आए दरवाजा खटखटाया, यहूदी निकला। पैगंबर ने फरमाया कि तुम्हारा कुत्ता है वो मेरे ये बंदे हैं इनको पढ़ता है, ये नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाते हैं, ये कुत्ता उनको पढ़ता है। अल्लाह ने कुत्ते को बोलने की कुव्वत दी। पैगंबर ने फरमाया कि तू इनको क्यों पढ़ता है? तवज्जो फरमाइएगा, मैं जुमला सिर्फ देना चाहता हूं, नुक्ता देना चाहता हूं, शायद ये रिवायत आपने सैकड़ों मरतबा सुनी हो। तू इनको क्यों पढ़ता है? उसने कहा कि या रसूल अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, जब ये यहां से गुजरते हैं ना अली के खिलाफ भौंकते हैं। मैंने जुमला कह दिया, कुत्ता कह रहा है कि भौंकते हैं, हम कहते हैं कुत्ता भौंकता है,
कुत्ता कहता है अली का दुश्मन भौंकता है, या रसूल अल्लाह ये अली के खिलाफ भौंकते हैं। पूरी जिम्मेदारी से मिंबर से पढ़ रहा हूं, जब उसने ये जुमला कहा ना, रसूल गए थे उसे कत्ल करने के इरादे से, जब उसकी जुबान से ये जुमला सुना, पैगंबर ने फरमाया यहूदी तू बेशक यहूदी रह, मैं तुझे कलमा पढ़ाने नहीं आया, लेकिन आज के बाद इस कुत्ते को मारना नहीं, आज के बाद इस कुत्ते को मारना नहीं। उसने कहा कि ठीक है मैं नहीं मारता, वजह क्या है? उसने कहा वजह कोई भी नहीं, जैसे दूसरे कुत्ते हैं ये भी कुत्ता है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है इसके दिल में अली की मोहब्बत है, इसके दिल में अली की मोहब्बत है। यानी हमें तारीख से पता चल गया, जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो, मोहम्मद तो उसकी भी सिफारिश कर देते हैं, तो जिस बंदे के दिल में अली की विलायत हो, जिसके दिल में मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत होगी, कैसे मुमकिन है कि मुस्तफा उसे जहन्नम में जाता हुआ देखे? कभी मुमकिन नहीं है, हो ही नहीं सकता। देखिए ये पूरी कायनात में, मैं असल में सुन्नी से शिया हुआ, मुझे कोई इतना इल्म नहीं है, लेकिन इतना जानता हूं कि ये जो मजलिस हुसैन हम करवाते हैं अपनी हसीयत के मुताबिक, मैं भी करवाता हूं अपनी हसीयत के मुताबिक करवाते हैं, इसका कोई ना कोई मकसद और हदफ है। दाना बंदे तशरीफ फरमाए, अगर किसी चीज का कोई मकसद और हदफ नहीं तो वो फजूल है। नमाज पढ़ी जाती है, मकसद जन्नत है। कुरान की तिलावत हम करते हैं, हम भी करते हैं, हदफ क्या होता है? जन्नत। किसी को जकात दी, हदफ क्या है? जन्नत। तरावियां पढ़ाता हूं, था पढ़ाता था, एम उठ के ना पूछ ला पे हूं पढ़ाना है, पढ़ाता था, मकसद की है जन्नत। बहुत मुश्किल है जन्नत, लेकिन आसान कर दी जहरा के लाल ने। देखिए इस घराने ने कसम खुदा की इतनी आसान कर दी, पानी आसमान की तरफ उठे तो बाप, पानी बनकर जमीन पर गिरे तो बारिश, जम कर गिरे तो ओले, गिर के जम जाए तो बर्फ, फूल की पत्ती पर गिरे तो शबनम, फूल की पत्ती से निकले तो अर्क, इस्माइल की एड़ी से निकले तो आबे जमजम, मोहम्मद की उंगली से निकले तो आबे कौसर, जिस्म से निकले तो पसीना, आंख से निकले तो आंसू। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में जाफर सादक की जान है, जिसकी आंख में एक कतरा भी गमे हुसैन में बह गया, अल्लाह ने उस पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। जिसकी आंख से एक कतरा हुसैन की आजादारी में निकल गया, उस पर जहन्नम की आग हराम है। देखिए पूरी कायनात में हर शख्स अमल कर रहा है, इसलिए कि रसूल शफात करें, रसूल शफात करें, रसूल शफात करें। हालात हाजरा के मुताबिक भी मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, और बस यही मेरे आखिरी जुमला है, और पढ़कर आपसे इजाजत चाहूंगा। पूरी कायनात में हर बंदा जिस भी मकतबे फिक्र पर कायम है, उसको पता है कि मेरी निजात है। जरा मेरे साथ बोलिएगा, जो भी जिस मकतबे फिक्र जिस फिक्र पर है, उसे पूरा इत्मीनान है कि मेरी शफात होगी। जो भी जिस भी मकतबे फिक्र पर है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उसे यकीन है कि मैं जन्नत में जाऊंगा, कि मेरी रसूल शफात करेंगे। शफात क्या है? कुरान से पढ़कर आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह फरमाए मन जल्लजी यशफाउ इंदहू इल्ला बिइज़्ने ही। अल्लाह फरमाए किसकी जुर्रत है कि जो मेरी सख्त अदालत में से मुजरिम को छुड़वा ले? जरा मेरे साथ बोलिएगा। यहां पर आपके कोई अजीज हो तो बंदा कहे यार है, बंदा किसी की भी नहीं मानता, किसी की भी नहीं मानता, पर किसे दी मंद है तो कि सख्त रह जाता है। जेड़ा किसे दी मन गया है वह कि सख्त है, पर अल्लाह तो सख्त केड़ा हो सकता है। अल फरमाया मंजल लजी यशफाउ इंदहू, अल फरमाया किसकी जुर्रत है
कि जो मेरी सख्त अदालत में से किसी मुजरम को छुड़वा के ले जाए। देखिए जिसको अल्लाह मुजरम कह रहे फिर वो मुजरम है। यहां पर पुलिस वाले कोई बंदा पकड़ के ले जाते हैं, पहले मुजरम होता है, जब उसका जुर्म साबित हो जाए फिर वो मुजरिम है। जिसको अल्लाह मुजरिम कह रहे, अब किसकी जरूरत कि जो अपने माथे पे तमगा कुफर सजाए और कहे कि ये मुजरिम नहीं। अल्लाह फरमाए किसकी जरूरत है कि जो मेरी सख्त अदालत में से किसी मुजरिम को छुड़वा के ले जाए। इल्ला, मैं जरा थोड़ी सी पहले वजाहत करना चाहता हूं कि अरबी में लफ्ज इल्ला जहां भी आता है ना गुंजाइश देता है। जहां भी लफ्ज इल्ला अरबी में आ जाए वो गुंजाइश देता है। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, इल्ला मगर है अल्लाह। इल्ला जहां भी आएगा गुंजाइश देगा। ला फता, कोई मर्द नहीं, इल्ला अली मगर अली है। ला सैफ, कोई तलवार नहीं, इल्ला जुल्फकार मगर जुल्फकार है। यानी जहां भी लफ्ज इल्ला आए वो गुंजाइश देता है। कोई माबूद नहीं, इल्लल्लाह अल्लाह है। अल्लाह फरमाए किसकी जुर्रत है कि जो मेरी सख्त अदालत में से किसी मुजरम को छुड़वा के ले जाए। इल्ला, अगर आप तक बात पहुंचोगे, मंजल लजी, कौन है जो मेरी सख्त अदालत में से मुजरिम को छुड़वा कर घर ले जाए। इल्ला भी इज़्ने ही, सिवाय उसके जिसको मैंने इजाजत दे दी। जरा मेरे साथ बोलिएगा, जिसको मैंने इजाजत दे दी। आप टीवी पर सुन लीजिएगा, अजान के बाद एक दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा रब हाजी दावती दामा वसलातिल काइमा आति मुहम्मद अनिल वसीलता वल फजीलता व दरजत रफिया वब असू मकाम महमूदा। ऐ अल्लाह मुहम्मद को मुकाम शफाअत पर खड़ा कर। जरा मेरे साथ बोलिएगा, मैं तमाम मतबा फिक्र को लेकर चलना चाहता हूं। ऐ अल्लाह मुस्तफा को मुकाम शफाअत पर खड़ा कर। ऐ अल्लाह मुस्तफा को मुकाम शफाअत पर खड़ा कर। अब बरोज़े हशर का मंजर है कि तमाम बनी आदम, तमाम नबी अपनी उम्मतें लेकर रसूल के पास पहुंच गए। या रसूल अल्लाह मेरी शफाअत, या रसूल अल्लाह मेरी शफाअत। हजरत आदम आ गए, या रसूल अल्लाह मेरी शफाअत। इब्राहिम, या रसूल अल्लाह मेरी शफाअत। मूसा, या रसूल अल्लाह मेरी शफाअत। ईसा, या रसूल अल्लाह मेरी शफाअत, मेरी कौम की शफाअत। जब तमाम औलाद आदम मेरे मुस्तफा के कदमों पर पहुंच जाएंगी, या रसूल अल्लाह मेरी शफाअत, या रसूल अल्लाह मेरी शफाअत। हदीस कहती है उस वक्त एक और घर है जिसकी तरफ रसूल इशारा करके फरमाते हैं, जुइलत शफाअतो उम्मत मुहम्मदिन सदाको फातिमा। फरमाया मैंने तो पूरी कायनात की शफाअत फातिमा का हक महर रख दिया है। मैंने तो पूरी कायनात की शफाअत फातिमा का हक महर रख दिया है। अब मुझे नहीं पता कि यह बहस कब तक जारी रहेगी कि जनाबे सैयदा रजी अल्लाह है या अलैहे सलाम, ये बहस मौली साहब आप करें। लेकिन इतना जानता हूं शफाअत सिर्फ उसकी होगी जिससे फातिमा राजी हो, जिसके लिए फातिमा बददुआ करे मोहम्मद उसकी शफाअत नहीं। शफाअत सिर्फ उसी की होगी जिससे जनाबे सैयदा राजी होगी। अजीजा ने ग्रामी कदर, पूरा कुरान पढ़ लीजिएगा, हर नबी ने तबलीगे रिसालत और नबुव्वत करने के बाद एक जुमला कहा है। अल्लाह ने फरमाया मांगो क्या मांगते हो, तमाम नबियों ने कहा इन अजरिया अला रब्बिल आलमीन,
हमारी उजरत हमारे रब के पास है, हमें कुछ नहीं चाहिए। घरों में जाकर सोचिएगा जरूर कि छोटे किसी नबी ने उजरत नहीं मांगी, नबियों के सुल्तान ने उजरत मांगी। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, फरमाया मैं अपनी पूरी नबुवत और रिसालत की तबलीग के लिए तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मेरे करीबियों से मुद्दत करना, सिर्फ मेरे करीबियों से मुद्दत करना। अजीज ने ग्रामी कदर आज जनाबे मुस्लिम और उनके बेटों की शहादत के मुतालिक है। मेरे बाद जो हैं वो मजीद पूरे मौजू पर पढ़ेंगे, अगर मैं पढ़ गया तो वो मुश्किल हो जाएगी कि जब जनाब मखदूमा आलिया दरबार शाम में पहुंची तो एक आवाज दी गई, लोगों आओ कैदियों का तमाशा देखो, आओ कैदियों का तमाशा देखो। बिस्मिल्लाह। मैं मक्तल की रिवायत किबला कभी भी रिवायत में अजाफा कर नहीं पड़ता, मक्तल में किताब का नाम है मक्तले अभी मिखनिफ, उसमें भी ये रिवायत मौजूद है। जब आले मोहम्मद का लूटा हुआ काफिला दरबारे शाम में पहुंचा तो आवाज दी गई, आओ कैदियों का तमाशा देखो। बस इतना कहना था कि यजीद की एक बीवी थी जिसका नाम था हिंद, उसने यजीद को कहा कि मैं भी इन कैदियों का तमाशा देखना चाहती हूँ। बार बार इसरार के बाद भी यजीद ने कहा कि नहीं, दरबार का माहौल मुनासिब नहीं। रोने के लिए यही जुमला काफी है कि यजीद की बीवी के लिए मुनासिब नहीं था, अली की बेटियों के लिए कैसे हो गए। बार बार इसरार के बाद यजीद की बीवी को आने की इजाजत दी गई, इसकी कुर्सी बुजुर्गों बिल्कुल वहीं पर रखी गई जहां पर मोहम्मद की बेटी खाक पर बैठी थी। आते ही इस हिंद ने एक सवाल किया, उसने कहा अत्तआरुफीना अली इब्ने अबी तालिब, ऐ कैदन क्या तू अली इब्ने अबी तालिब को जानती है। जनाबे मखदूमा आलिया की चीख उठ गई, फरमाया जैसे मैं जानती हूं पूरी कायनात में कोई नहीं जानता। हिंद ने दूसरा सवाल किया, कहती है अत्तआरुफीना हुसैन इब्ने अली, क्या तू अली के बेटे हुसैन को जानती है। मखदूमा आलिया तड़प उठी, रोकर फरमाया जैसे मैं जानती हूं पूरी कायनात में कोई नहीं जानता। यजीद की बीवी ने तीसरा सवाल किया, कहती है अत्तआरुफीना अली इब्ने हुसैन, क्या तू हुसैन के बेटे सैयद सज्जाद को जानती है। मखदूमा आलिया तड़प उठी, रोकर फरमाया जैसे मैं जानती हूं कोई नहीं जानता। यजीद की बीवी को मालूम ही न था कि मदीने वाले सैयद उजड़कर उसके दरबार में आ गए। जब मखदूमा आलिया ने फरमाया ना जैसे मैं जानती हूं पूरी कायनात में कोई नहीं जानता, साहिबे किताब लिखता है नजर यमन व शमालन, हिंद ने एक मर्तबा दाईं तरफ देखा, दूसरी मर्तबा बाईं तरफ देखा, दोनों तरफ देखकर मखदूमा के कान के करीब आई और कहने लगी ऐ बीबी अब मैं जिसका नाम लेने लगी हूं ना, इसका नाम कभी किसी गैर महरम ने नहीं सुना, अत्तआरुफीना ज़ैनब बिनते अली, क्या तू अली की बेटी ज़ैनब को जानती है। मखदूमा आलिया तड़प उठी, रोकर फरमाया पहचान मैं वो ही ज़ैनब हूं जिसके पास तू कुरान पढ़ा करती थी। हिंद ने कहा अगर तू वाकियातन मदीने वाली ज़ैनब है तो बता तेरा अब्बास कहाँ है जिसकी बहादुरी के हमें किस्से सुनाया करती थी। अदादारों जब इतना कहा ना मखदूमा आलिया ने घोड़े की गर्दन की तरफ इशारा किया, फरमाया वो है तेरे मुर्शद अब्बास का सर। कहती है बीबी क्या वजह है, सबके सर नेजों पर सवार हैं लेकिन अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में क्यों। मखदूमा आलिया तड़प उठी, रोकर फरमाया क्या करें, कई मर्तबा इन्होंने नेजों पर सवार किया लेकिन जब मेरे खुले सर की तरफ देखता है तो गिर के कहता है बहना ज़ैनब मुआफ करना मैं तेरा पर्दा नहीं बचा। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन मसयाना मुल्लज़ीना यमुल्कुल।